चीको क्रिप्टो काफ़ी अच्छा एनालिसिस करता है, बिटकॉइन को गोल्ड से रिलेट कर रहा था और ETF आएगा तो इतना जाएगा, गोल्ड जैसा बिहेव किया बिटकॉइन तो मेरे हिसाब से $1-2 लाख तो आसानी से जाएगा। लेकिन उसमें कैसा है कि तुमने इन्वेस्टमेंट किया फिर बैठ गया, भाव कब बढ़ेगा उसका इंतज़ार करेगा, और इट विल बी लाइक इन्वेस्टिंग इन NFT क्योंकि इट हैज़ ऑलमोस्ट नो यूज केस। इन्वेस्ट किया और फिर भाव बढ़ने, ये इतना जाएगा उतना जाएगा, भाव बढ़ने का इंतज़ार करो, और ये पहले से ही बिटकॉइन में होता था। इन्वेस्ट किया, अभी करने का क्या बिटकॉइन का, तो केन्जियन लिमिटेड सप्लाई, उसके बिटकॉइन जो चैनल्स हैं सिर्फ बिटकॉइन के बारे में बात करने वाले, तो वो लोग यही बात करते थे कि इन्वेस्ट किया और फिलॉसफी जानते थे, तो वैसा होगा। लेकिन इथेरियम में कैसा है, इट इज़ ए एनर्जी में इन्वेस्ट करने जैसा है कि तुमने खरीदा, स्टेक कर सकते हो और उसका यूज़ केस है। इतने सारे डैप्स बनेंगे इथेरियम पे, इट विल बी $multi-billion नेटवर्क, तो डैप्स बनेंगे और डैप्स पे भी ETM का मतलब बिटकॉइन का एक जो टोकन बनेगा वो ट्रेड होगा, तो उसका डिफाई और इसमें यूज होगा। मतलब कैसा है, इथेरियम खरीदेगा तो एक्शन है, बिटकॉइन खरीदेगा तो एक्शन नहीं है। बिटकॉइन खरीदा, प्राइस बढ़ने का इंतज़ार करने का, इथेरियम खरीदा, एक्शन में पार्टिसिपेट करने का, उसमें गेमिंग का भी बनेगा, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, डीफाई बनेगा, और बेसिकली कि वो तुम लेके स्टेकिंग से पैसा कमा सकते हो और लेंडिंग बोरोइंग भी होगा, वो बिटकॉइन के साथ भी होगा कि उसका एक वर्चुअल टोकन बनेगा और वो ट्रेड होगा। तो बेसिकली इथेरियम इज मोर लाइक ए एनर्जी कमोडिटी, क्योंकि इथेरियम लगेगा नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने के लिए। इवन अगर किसी ने बिटकॉइन खरीदा और बिटकॉइन का वर्चुअल टोकन बनाया डीफाई में ट्रेड करने के लिए, फिर भी उसको इथेरियम खरीदना ही पड़ेगा, फिर वो एक्शन कर सकता है। और बहुत सारे नेटवर्क निकलेंगे लेकिन इथेरियम लीड करेगा बिकॉज ऑफ गर्दी, जितना डैप्स बनेगा, नया नया इनोवेशन भी हो रहा है तो डैप्स बनेगा, डैप्स में वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, और जो मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा है उधर और भीड़ आएगी, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब जो किसी को बेचने का है तो फट से बेच सकता है, खरीदना है तो फट से खरीद सकता है, क्योंकि लोग है उतना, बाइंग एंड सेलिंग है उतना,
तो इथेरियम नेटवर्क पे काफ़ी एक्शन होगी और इसके वजह से इथेरियम विल बी, जिसका मतलब प्राइस बढ़ेगा बेस्ड ऑन ए यूज केस। लेकिन बिटकॉइन का ये लोग बोलते हैं प्राइस, लेकिन वो खरीदने के बाद ऑलमोस्ट देर इज नो एक्शन, ओनली थिंग इज प्राइस अप्रिसिएशन, कि इन्वेस्ट किया भाव बढ़ने का इंतज़ार किया। रिजर्व करेंसी बन सकता है क्योंकि सरकार को जो एडवाइस देता है अगर वो बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट है तो रिजर्व करेंसी होगा और फिर उसका रेट काफ़ी स्काई रॉकेट होगा। लेकिन अगर तुम लॉजिकली मार्केट डजेंट वर्क लॉजिकली ऑलवेज, बहुत सारा चीज़ ऐसा ही होता है उसमें, विदाउट एनी रीज़न प्राइस अप्रिशिएट और डंप होता है। तो अगर लॉजिकली देखोगे तो बिटकॉइन का सिर्फ एक ही यूज केस है, खरीदने का और इंतज़ार करने का कि प्राइस कभी बढ़ेगा, जबकि इथेरियम का इसमें एक्शन होगा, डीफाई, लेंडिंग, बोरोइंग, गेमिंग, एनएफटी, तो दुनिया भर का चीज़ होगा जिसमें भीड़ होगा और भीड़ जितना ट्रेड करेगी उतना ट्रांजैक्शन फी होगा, नेटवर्क का वैल्यूएशन बढ़ता है और अगर उसमें 200-300 बिलियन डॉलर के ऐप्स रहेंगे और जिसका डेली वॉल्यूम 1 बिलियन 2 बिलियन एक एक ऐप का, तो नेटवर्क सुपर हिट हो गया। तो यही कंसेप्ट था कि इथेरियम को सुपर हिट बनाने के लिए सिर्फ एक डैप लगेगा जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का वैल्यू ट्रेड होगा और फिर इथेरियम स्काई रॉकेट जाएगा। ये लॉजिक था, पहले ये बात होती थी, अभी कोई ये बात करता नहीं है। तो वो लॉजिक के हिसाब से इथेरियम का वैल्यूएशन अपन डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसका नेटवर्क का रेवेन्यू जनरेशन इतना है और एक एक ऐप का इतना वैल्यूएशन है, तो वो ऐप जो नेटवर्क पे है उसका कितना वैल्यूएशन होगा। तो ये फ़र्क है, लेकिन मार्केट टोटली लॉजिक से वर्क नहीं करता है। तो बिटकॉइन का रेट बढ़ने का चांसेस काफ़ी है क्योंकि ETF आएगा, रिजर्व करेंसी हो सकता है, लेकिन अगर लॉजिक लगाएगा तो उसमें एक्शन नहीं है। इवन बिटकॉइन पे अगर साइड चेन बना के डैप खोलने का चल रहा है, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मार्केट में अगर वॉल्यूम नहीं रहेगा तो कोई उधर आएगा नहीं, तो वो फ़र्क रहता है उसमें।